हेलो दोस्तों, आज हम 60 डिग्री माइटर बैंड दो कार्ड में सबसे आसान फॉर्मूला के साथ कैसे बना पाए उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है पाइप डाया इंच में इंटू 10 इंटू सॉरी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया फॉर्मूला। ये सिर्फ दो कार्ड में 60 डिग्री बैंड बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई भी डाया में ये फॉर्मूला अलाउ है। तो ये जो फॉर्मूला कैसे करेंगे, पाइप डाया मान लीजिए आपका 4 इंची पाइप है तो 4 इसके साथ 10 गिनना है, 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 40 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 मतलब 45/3 इसका लो 15 कटबैक। वैसे 6 इंच के लिए ये 4 इंच वाला, 6 इंच के लिए 6 इंटू 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 60 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 65/3 21.66, ये हो गया कटबैक 6 इंच का। 8 इंच करे तो 8 गंता 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 समझो 80 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 85/3 मतलब 28.33। ऐसे कोई भी साइज के डाया का हो पाइप इस फॉर्मूला का चलते आप कार्डबैक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कार्डबैक निकल गया उसके बाद क्या करना है, पाइप जितना साइज का पाइप लेना है उसका सीएम निकाल के बराबर हिस्सा में 8 सेंटर लाइन 4 सेंटर लाइन 12 सेंटर आप जितना चाहे उतना निकाल लेना है। उसके बाद कार्डबैक डालना है। जैसे हम मान लीजिए मेरा 8 इंच का पाइप है, 8 इंच मतलब 200 एनवी का, तो 8 इंच के लिए मेरा कटबैक कितना निकला है 28.33 मतलब ये जो 90 डिग्री में आपको डालना है 28.33 इधर और इधर, दो कार्ड मतलब 4 जगह आएगा 90 डिग्री में 28.33। अभी बचा 45 डिग्री में करने के लिए क्या करना है, साइन 45 आपको लेना है, साइन 45 इसका वैल्यू के साथ कटबैक गिनना है तो आपका 45 डिग्री का कटबैक निकल जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0.707 इंटू कटबैक कितना निकला है 28.33। इसको माल हिसाब किताब करने से आता है 20.2 मतलब हमको 45 डिग्री में डालना है 20.2। हर 45 डिग्री में 20.2 करके डालना है। तो आपको मन में सवाल आएगा ये पाइप का लंबाई हम किस हिसाब से ले, ज़्यादा चलने वाला फॉर्मूला का हिसाब से शॉर्ट रेडियस के लिए कटबैक इनटू 4 मतलब ये जो मेरा कटबैक निकला है 28.33 इनटू 4 मतलब 113.33 तीन दो। मीडियम रेडियस के लिए कटबैक इंटू 6 मतलब 28.33 इंटू 6 कैलकुलेशन करने से आता है 149.98। और लॉन्ग के लिए कटबैक इंटू 8 मतलब 28.33 इंटू 8 कैलकुलेशन करने से आता है 22.6.64। ये जो मापी है ये हो गया ये मिडिल वाला पीस का, ये जो हिस्सा है ये मिडिल वाला पीस का है, मिडिल पीस का। तो साइड वाला क्या होगा, मिडिल पीस
सॉरी मिडिल पीस डिवाइडेड बाई टू। अगर हम मीडियम रेडियस के हिसाब से बनाएं तो 149.98 डिवाइडेड बाई टू, तो कैलकुलेशन करने से आता है 74.99 और 75 मान के चल सकते हैं। मतलब मिडिल वाला साइड वाला पीस हमको लेना है 75 और साइड वाला, ये दोनों साइड 75 होगा और मिडिल वाला होगा आपका 149.98 मतलब 150। बीच मिडिल में जो होगा उसका साइड में उसका आधा होगा, हर वक्त ये याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही ध्यान में आपको रखना है। पाइप डाया वो इंच में हर वक्त रहेगा, इंटू 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये 60 डिग्री बैंड बनाने के लिए सिर्फ दो कार्ड में आप जब बनाएंगे तो अभी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अगर तीन कार्ड में चार कार्ड में बनाएंगे तो नहीं यूज कर सकते हैं। ये जो 90 डिग्री बैंड बनाने का शॉर्टकट फार्मूला है उसको 60 डिग्री में कैसे बनाया जाए उसी को हम समझा दिए हैं कि उसी फार्मूला के चलते आप 60 डिग्री बैंड भी बना सकते हैं। कहे कि तीन कार्ड में 90 डिग्री बन रहा है तो दो कार्ड में बनेगा तो 60 डिग्री होगा, उसी सेम फार्मूला है। मतलब जितना इंच का पाइप है उसका डाएँ और चार ये पाँच बैठाना है, जो उस फार्मूला में हम बताए थे वही फार्मूला है। पाइप डाया इंटू 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।